मॉर्निंग अब्रूस, कमरे में थोड़ी धूप आ रही है तो दिनों बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। रात को मैं खिड़की खोल के सोया था क्योंकि बड़े दिन से ना कमरे में गर्मी से उड़ी रही, तो कल बहुत अच्छा मौसम था रात को ठंडा, तो मैंने खिड़की खोली कि हाँ चलो अब धूप भी आएगी थोड़े दिन, क्योंकि मैंने शटर बंद सा कर रखा था अपनी विंडो का, ब्लाइंड जो थी वो मैंने बंद कर रखी, तो मैंने सोचा उसको खोलता हूँ, थोड़े दिन धूप आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो रूम में बैठना अच्छा लगेगा और अच्छी चीज़ों पे ध्यान जाएगा मेरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रूम को साफ रखना और पॉजिटिविटी जितनी क्रिएट कर पाओ उतना करना। सुबह उठ के मुझे अच्छा लग रहा है कि बाहर चिड़िया उड़िया की आवाज़ें आ रही हैं और धूप भी आ रही है, रूम में ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, पंखा भी बंद है, जबकि मेरा सब अच्छा लग रहा है। तो चलो उठते हैं और आज का दिन प्लान करते हैं। तो अभी मेरी मम्मी ने बोला मुझे, देखते ही मासी ने रेल लेके अब जो है, तो अगर आप लोग को पता पंजीरी क्या होती है, यू नो पंजाब में बहुत फेमस होती है चीज़, घी से ये स्वीट्स बनती है, घी से, और कोल्ड में ये खानी बहुत 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 अच्छी रहती है। तो मासी ने बना के भेजी है खुद घर पर, बहुत स्वाद है। मुझे मीठा खाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है। A few moments later. तो मैं बाहर आ गया बालकनी में इस उम्मीद में कि आज तो धूप देखने को मिल रहा है भाई बढ़िया सी, लेकिन नहीं, आज भी प्रभु ने सोचा कि नहीं इनको भाई और आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो देख रहे हो हालात वैसे कितने बुरे हैं कि एक तो हम तरस जाते हैं बारिश का मौसम देखने के लिए, लेकिन कभी आता नहीं है जब चाहिए होता है, और अब हम चाह रहे हैं कि धूप आए ताकि सरफेस वाला जो ये वायरस एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा फर्क है। तो अपने दिन को बढ़िया से स्टार्ट देने के लिए और मूड अच्छा रखने के लिए अभी मैं गर्म पानी लूँगा या आई होप कॉफ़ी लूँगा और छत पे चलता हूँ, क्योंकि बहुत छत पे हैं इस टाइम पे और आई थिंक सभी वेदर का फायदा उठाने वाले हैं। A few inches later. मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग छत पे हैं यार, ऐसा लग रहा है कि क्वारंटाइन करने को बोला, लोगों ने घर अपना छतों पर बसा लिया, तो आई थिंक सभी का यही है कि घर पर कुछ करने के लिए तो छत पर आ जाओ। ठंडी हवा चल रही है, इतने सारी बर्ड्स देखने को मिल रही हैं, कौवे हुए सारे इतने सालों से साले देखे नहीं है, अब सब दिख रहे हैं। तो भाई लोग वायरस तो वायरस, और कल रशिया में अर्थक्वेक आया 7.9 स्केल से, जो कि बहुत हेवी होता है, नुकसान भी हुआ है वहाँ पे। सो मैं इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि अभी 2020 में जब से हमने एंटर करा तब से अभी तक बहुत चीज़ें जो वर्ल्ड लेवल पर ख़राब चल रही हैं, भले उन्हें दंगे कह लो, ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव कह लो, या फिर जॉब्स देख लो, रिसेशन देख लो, इकोनॉमी देख लो, ये वायरस देख लो, मतलब बहुत बुरी चीज़ हमने देख ली है। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारे जो दादा लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने कितना कुछ देखा, उन्होंने पार्टीशन देखा है, उन्होंने वॉर्स देखे हैं, उन्होंने लाइफ बनती हुई देखी है, इंडिया बनते हुए देखा है, हम लोगों ने क्या देखा, हमने तो बस मौज मस्ती की है, हमें सब कुछ बैठे बैठे मिला है। लेकिन जब ये सारा क्राइसिस मैंने देखा, मैंने दंगे अपनी लाइफ में पहली बार लाइव एक्सपीरियंस करे, और तब मुझे लगा यार कि नहीं, हाँ ये दुनिया है। तो मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी एक रशियन कपल की, जो इंडिया घूमने आए थे और दिल्ली में फंस गए थे क्योंकि उनके फंड सारे ख़त्म हो गए थे, फ़्लाइट्स कैंसिल हो जा रही थी बार बार, और उनके पास रशिया जाने के पैसे ही नहीं बचे थे बिल्कुल। तो उन्होंने लोधी गार्डन के बाहर जो उन्होंने इंडिया में फ़ोटोज़ क्लिक करी थी वो बेचना स्टार्ट कर दिया ताकि कुछ पैसे और वापस जा पाएँ। तो मैंने स्टोरी डाली थी कि अगर कोई भी आसपास है या चाहता है स्टोरी को शेयर करना तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। और उसी दिन या उसी अगली दिन न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि रशियन एम्बेसी ने उनको बुला लिया और अपनी अकोमोडेशन दे दी है, और अब प्रबंध किया जा रहा है कि उनको वापस रशिया भेजा जाए, और 8,000 ऐसे फॉरेनर्स हैं जो अभी इंडिया में इस टाइम पे फंसे हुए हैं, उनके लिए भी एयरलाइंस स्टार्ट होने वाली है फुली सैनिटाइजेशन के साथ और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे, पूरी दुनिया की और अपने खुद के लोगों की भी। Many months later. तो ही भाई लोग, मैं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, उस पर मैंने देखा एक बढ़िया चैलेंज आया हुआ आजकल, लाइफ बॉय वाला चैलेंज, जहाँ पे हैंड वॉश करना सिखा रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे कैसे करना है। ऑल दो बहुत लोगों ने सिखाया है तो अभी तक आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता उनको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन प्लेस करा और ये लाइट मैं जलाऊँगा क्योंकि अभी डे लाइट ही काफ़ी है, तो बनाने में हेल्प करेगा मेरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पानी है लाइफ बॉय, हाथ गीले करो ना, उंगलियों को कोने कोने से साफ करो ना, दोनों हाथों को दोनों ओर से घिसो ना, लाइफ बॉय करो ना, बीमारी को रोको ना। तो पहले सभी हाय बोलो यार, पहले सभी हाय बोलो, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, सारे हाय बोलो, हाय
Day 4. Good morning, Gabrus. आज है मेरा Day 4 out of these 21 days का जो quarantine है उसमें से और जो ये series चल रही है उसमें से. तो अभी क्या है, मैंने उठते के साथ ही टोपी लगाई क्योंकि बाल बहुत मैसी हो रहे थे और फ़ोन उठाया और अर्बन गबरू पे मैं गया, मैंने स्टोरीज डाली और मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो गबरूज हैं, उनको भी मौका मिले हमारे ब्लॉग में आने का. तो मैंने उनसे बोला है कि आप एक वीडियो शूट करो अपनी और उसमें बताओ कि आपको सबसे बड़ा फ़ायदा घर पर बैठने का क्या लग रहा है और आप उस व्लॉग में फीचर हो गए. इज़ नॉट अ कूल मूव, आई नो इट इज. अब हर बार की तरह वो बाहर धूप में चलते हो, भैया आज तो मुझे लग रहा है मैं धूप को बेयर कर पाऊँगा. बहुत 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 तेज़ धूप है आज. और अच्छी बात भी है खैर, क्योंकि साला गर्मी आ गई, लेकिन रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि गर्मी आ गई है. अंदर ही वापस चलते दबे पाओ, क्योंकि धूप आज बहुत तेज़ है, जो अच्छी बात है. और धूप से मुझे याद आया, एक बंदे ने कॉमेंट किया था लास्ट व्लॉग पे कि टेम्परेचर का कुछ लेना देना है वायरस से. आई नो, आई एग्री. जो ह्यूमन बॉडी है उसका कुछ लेना देना नहीं है टेम्परेचर से. उसको सर्दी गर्मी जब वायरस हो गया तो वो कम्युनिकेबल है. लेकिन जो सरफेस है, जैसे अभी ये मेटल है, इस सरफेस पे ये 9 घंटे तक रह सकता है वायरस. लेकिन अगर धूप है और बहुत तेज़ धूप है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वायरस 9 की जगह कुछ कम घंटों में ही इवेपोरेट हो जाएगा या गायब हो जाएगा. यार बड़ा ही बुरा लगता है इंडिया के और वर्ल्ड के सबसे बढ़िया बैट्समैन को ऐसे बाहर बैठ के देख के. मैं इतना एक्साइटेड था ना, इस बार IPL देखूंगा, धोनी को शेयर करूंगा, चेन्नई को मैं हमेशा शेयर करता हूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया. तो कोई बात नहीं, जहाना तो जहाना है. उम्मीद करता है IPL शॉर्ट फॉर्मेट में मिले, लेकिन देखने को मिले. यार धोनी को देखना चाहता हूँ मैं. और मैंने एक काइंड ऑफ शोर किया था कि जब तक ये वापस नहीं आएगा मैं क्रिकेट देखूंगा नहीं. तो अभी मैं देखता भी तो बस स्कोर वगैरह देख के बंद कर देता हूँ. खास इंटरेस्ट मेरा बन नहीं रहा क्रिकेट देखने में भी. एक बार एक भाई साहब वापस आ रहे हैं, फिर देखेंगे. सुगबल, जैसे मैंने आपको बोला था कि अब घर पे बैठे तो फ़ायदा तो उठाना ही है इस चीज़ का. तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बढ़िया सा स्किन केयर करते हैं. और ध्यान रखना ये चीज़, जब भी आप घर पे होते हो, बाहर नहीं जाते हो कुछ दिनों के लिए, तो क्या होता है, बाहर के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो गंदगी होती है, गर्मी, पसीना, धूप, ये सब चीज़ें आपकी स्किन पर डायरेक्टली नहीं आती हैं. जब तब घर पर आपकी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है और वो सारी चीज़ें जो दिन भर में आपको फेस करनी पड़ती थी वो अब नहीं फेस हो रही हैं. तो बहुत सही मौका है अपनी स्किन को साफ़ करने का. तो अभी कुछ दिनों से मैं घर पे हूँ, तो सबने बोला घर वालों ने कि अब तेरे में इम्प्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि मैं स्किन का ध्यान भी रख रहा हूँ. तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो जो मैं आपको अब रूटीन बनाने वाला हूँ. बहुत छोटी सी, बहुत सिंपल सी. अब हम लोग बहुत मेकअप वेकअप तो करते नहीं है, हमारे पास ऑल वी हैव इज़ के थोड़ा सा स्किन केयर पे ध्यान दे सकें. तो वो आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट अपने आप को देने हैं और उसी में घर रहने का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी स्किन एकदम साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी. तो यार सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टीम लेनी है. आई नो मैं ज़ुकाम, कोल्ड, कोरोना वायरस, इनकी बातें बिल्कुल नहीं कर रहा. स्टीम आपको फेस पे देनी है, ठीक है. तो क्या होता है कि हमारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं, अब घर पे बैठे हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा गंदगी हमारे फेस पे नहीं जा रही, लेकिन जितनी भी जा रही है हमने उसको भी निकालना है. तो स्टीम लेने से क्या होता है, आपके पोर्स जो हैं वो एकदम खुल जाएंगे और जितनी भी गंदगी है और जो स्वेट है वो भी निकलेगा. उसके थ्रू सारी इम्प्योरिटीज़ आपके फेस की बाहर निकलेगी और स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लियर स्किन पाने का. सो यहाँ पर मैं स्टीमर अभी ऑन करने वाला हूँ. और एक डिस्क्लेमर जो मैं देना चाहता हूँ, जिन लोगों को पिंपल्स हैं या जिनको गर्मी से एलर्जी हो जाती है और बाद में पिंपल बनते हैं, वो स्टीम एक तो कम टाइम के लिए लेना, बस 2 मिनट के लिए लेना, 1 मिनट के लिए लेना काफ़ी है. और थोड़ा डिस्टेंस से लेना, ठीक है, बिल्कुल घुस के मत लेना, कहीं पिंपल फूट जाए आपके फिर मुझे बोलो बाद में. तो अभी तमीज़ से लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं स्टीम लूँगा. 2 hours later. सो अभी आप देख सकते हो स्टीम निकल रही है, इसमें से स्टार्ट हो चुकी है. और अगर आपको पिंपल्स है या फिर आपको ज़्यादा गर्मी की प्रॉब्लम है तो उसको इतने डिस्टेंस से ले सकते हो, वरना आप इतना पास से भी लोगे तो चलेगा. लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है अगर आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम है. और थोड़ी सी देर के लिए लेना, आप 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स के लिए ले सकते हो, बाकी लोग 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट ले सकते हैं. स्टीम का जो प्रोसेस नंबर 1 था कंप्लीट हो चुका है. अब जितना भी पसीना वगैरह, उसको छोटा जो टॉवल होता है या हैंकी होता है आपका, उस पर पैड ड्राई करके इस तरीके से पसीने को साफ़ कर लो. यूं मत कर देना वरना मसल दोगे अपने फेस को और स्वेट जितना फैलेगा उतनी गंदगी और फैलेगी, पिंपल्स होने के चांसेस होते हैं, स्किन ख़राब होती है, रेड पड़ जाती है. अगर ऐसे रगड़ रगड़ के फेस साफ करो तो आराम से पैड करना है उसको. और चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ.
So, दोस्तों, next step के लिए मुझे आना पड़ा वॉशरूम में, क्योंकि अब इस स्टेप में हमको क्या करना है। पहले स्टेप से क्या हुआ, हमारी इम्प्यूरिटीज निकली, लीक आउट हो गई सारी। अब दूसरे स्टेप में हमें लगाना है फेस मास्क। अगर आपके पास पील ऑफ मास्क है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर ड्राई मास्क है जिनको लगा दो थोड़ी देर बाद, हटा लो। वो मास्कों को भी चलेगा। मैं फिलहाल यूज करूंगा चारकोल पील ऑफ मास्क। उससे क्या होगा, जो बचा कुचा गंद है मेरे फेस पे, जो गंदगी है, वो भी मैं हटा दूंगा। और एक शेड बेटर मुझे मेरा फेस दिखाई देगा। और ध्यान रखना, मैंने अभी तक सुबह से उठ के फेस वॉश नहीं करा। सबसे पहली चीज जो मैंने फेस के साथ करी वो स्टीम ही ली है। ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। फाइनली मैंने अपना मुंह काला करा लिया, खुद कर लिया। सो अब इसको मैं 10 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगा। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा इसको मैं पील कर दूंगा। तब तक इंस्टाग्राम चला लो या कुछ भी कर लो, धूप में जाके खड़े हो जाओ, नहीं धूप में मत जाना, ऐसे घर पे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. So, I'm back, और अभी हमको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है कि हमें मास्क जो है वो हटाना है केयरफुली। फिर मैंने उतार दिया और आपको दिख रहा होगा कि इंस्टेंट इफेक्ट है। अब स्किन थोड़ी और क्लियर दिख रही है। दो स्टेप स्किन क्लियर करने के हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो ये थोड़ा थोड़ा जो रेजिड्यूस है ये मैं उतारने में थोड़ा पानी का यूज करना चाहता हूँ। अभी कर सकते हो अगर ढंग से आपसे नहीं उतरता। अभी फिलहाल मैं जरंतर मुमंत्रम का चामुंडा लग रहा हूँ तो मैं इसको उतारता हूँ और थर्ड स्टेप के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे स्टेप में मैं एक्शन में लाना चाहता हूँ फेस स्क्रब को, क्योंकि क्या है, एक्सफोलिएशन बहुत 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 ज़रूरी होती है। अभी घर पे बैठे हुए हैं और डेड स्किन सेल्स जो हमारी स्किन पे डेवलप होते रहते हैं, तो उसको हटाने के लिए एक्सफोलिएशन यानी स्क्रब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जिन लोगों को पिंपल है, एलर्जी है फेस पे, वो स्क्रब कम कीजिए। अगर मैंने आपको बोला है कि हफ्ते या 10 दिन में करो स्क्रब, तो उनको बोलूँगा मैं कि भाई 2 हफ्तों में एक बार कर लो। और आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव है जो वीडियो के मैं थोड़े और देर बाद बताऊँगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रब आपको कैसे करना है। सबसे पहले अपने फेस को आप थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा ऐसे पानी लो और फेस पे ऐसे फैला लो। इससे क्या होगा, जब स्क्रब आप लोगे टाइम से अमाउंट लेना और फिर उसको ऐसे फैलाओगे तो फैलने में आसानी होगी, क्योंकि वो काफ़ी सूखा सा होता है। तो पानी की हेल्प से क्या होगा, वो अच्छे से इमल्सिफाई होकर आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो अच्छे से स्प्रेड हो चुका है स्क्रब मेरे पूरे फेस पे। अब बस इसको मैं वॉश करने वाला हूँ। और वॉश इसको डायरेक्टली मत करो, थोड़ा सा पानी लेना, उसको फिर से टैप करके ऐसे 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 करके रिलीज आउट करना। फिर उसके बाद ढंग से एक ही बार इसको रिंस ऑफ कर देना। लेकिन पहले थोड़ा सा पानी लूंगा मैं और इस तरीके से इसको उतारने की कोशिश करूंगा। और अब पूरी तरीके से इसको मैं रिंस ऑफ कर दूंगा पानी से प्रॉपरली। और कितनी साफ स्किन मुझे खुद को फील हो रही है, जबकि मैं तो एक कुछ दिनों से कर रहा हूँ ये चीज़, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ बेहतर। तो आप जब पहली बार करेंगे तो पहली बार में तो आपको बहुत ही मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। फिर धीरे 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 अगर आप कुछ दिनों के लिए घर पे हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। लिटरली आपको आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश्ड और क्लियर दिखाई देगी। सो भाई लोग, मुझे अब एक्चुअली में रिफ्रेश फील हो रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों से जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और उनको लगता है स्क्रब उनके लिए थोड़ा हार्श है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग एक कटोरी लेना, जैसे कि ये कटोरी आप देख सकते हो, बोल छोटा सा आप ले सकते हो। उसमें एक चम्मच भर के कॉफ़ी डालो, जो नॉर्मल कॉफ़ी आती, कॉफ़ी बीन्स नहीं कह रहा मैं, ना ही फिल्टर कॉफ़ी कह रहा हूँ, तो नॉर्मल नेस्कैफे ब्रू वगैरह की कॉफ़ी आती है जो फाइनल प्रोडक्ट, उसको एक चम्मच भर के डालना, ठीक है। उसके अंदर फिर आप आधा चम्मच दूध डालना और आधा चम्मच या पानी डालना, उसको दोनों उंगलियों से अपने मिक्स करना। फिर उसको स्क्रब की तरह, एक पेस्ट की तरह अपने फेस पे लगा देना और 15 मिनट के लिए छोड़ देना। और 15 मिनट बाद जाके उसको रिंस ऑफ कर देना। वो भी एक नेचुरल स्क्रब है जिसको आप घर पे यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन क्लियर करने के लिए। तो इट कॉल्स फॉर अ फोटोशूट मैन।
सो ये देखो ब्रोज़, मेरी क्लियर स्किन रूटीन, अगर आप घर पे बैठे हो तो इस चीज़ का क्यों नहीं फायदा उठा रहे भाई, ज़रूर फायदा उठाओ इस चीज़ का। अब ये रेमेडी मैंने आज करी है तो उसके बाद मैं इसको 10 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकता हूँ। और जो लोग जब ये वायरस वगैरह हट जाएगा और उसके बाद नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगी, उसके बाद हर 10-10 दिन के गैप में अगर ये रेमेडियम करते हैं घर पे रहते हुए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी स्किन को मिलने वाला है। और क्लियर स्किन के लिए सबसे सस्ती सुंदर टिकाऊ रेमेडी यही है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं इस स्किन रेमेडी से। Eventually. तो अभी ये जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा टेम्पटिंग सा सामान दिखाया, ये देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है, बट सवाल ये कि कर कौन रहा है प्रिपेयर। तो लास्ट व्लॉग में आप लोग मिले थे भाई से, लेकिन आज मैं एक और मेंबर से आपको मिलाने वाला हूँ। तो चलते किचन में, देखते हैं कौन महान इंसान इस रेसिपी को अंजाम दे रहा है। तो चलो किचन में वापस चलते हैं। हाय भाभी। हेलो। सो गाइस, शी इज़ माई भाभी, मिलो इनसे। ये हमें आज बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा बना के खिलाने वाली हैं। कितनी देर में बन जाएगा अभी? 15 मिनट्स। या चलो बढ़िया। तो आप शायद पहली बार कैमरा पे आए हो, एक बार सबको बोल लो कि तमीज से घर पे बैठे। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम। तो गाइस, भाभी मेडिकल लाइन से, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, तो वो अभी मजबूर हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल जा रही हैं, काम पे जा रही हैं अपने, लेकिन आप लोग मजबूर नहीं हो तो घर पे बैठो प्लीज़। सो जैसे पिज्जा बनता मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है भाभी? आप करते रहो काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। गाइस, एक टाइम था पहले जब रामायण टीवी पे आया करती थी या महाभारत टीवी पे आया करता था, तो पूरा शहर, पूरा देश खाली हुआ था, सड़कें खाली हुई थी, नहीं, और वो घर पे बैठ के सिर्फ वही देखते थे। तो अभी लॉकडाउन का समय तो वापस रामायण स्टार्ट हो गई है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। सो आज का प्लान पिज्ज़ा विद रामायण, और ये एपिक्स ऐसे हैं जो मैं ही नहीं कह रहा, सिर्फ धार्मिक उसकी वजह से देखो, बट ये देखोगे तो लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ लाइफ के ही बारे में। एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक भाभी फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग पिज्ज़ा। भी रामायण और ये दोनों चालू है। wow! उस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि भूख खत्म करनी बहुत ज़रूरी है भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा। चलो मिलता है कपड़ों जल्दी से। कपड़ों से, ये था मेरा आज का व्लॉग। इसमें मैंने एक आपको रूटीन बताई अपनी क्लियर स्किन कैसे कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, इसके बारे में ये मेन यूज़ पे थी इस व्लॉग की। और उसके अलावा मैंने जो जो चीज़ें करी वो भी मैंने आपको दिखाई हैं। तो दूसरी चीज़, मैंने एक प्ले और पढ़ा रोमियो जूलियट का, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो स्टोरी हमें बचपन से ही पता रोमियो जूलियट की, लेकिन एग्जैक्टली डिटेल में क्या है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी भी आपको कुछ पढ़ना है ना, तो आप फिक्शन पढ़ो या फिर प्लेस पढ़ो। प्ले पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चलती रहती है कि हाँ ये हुआ, वो ऐसे हुआ, ये डायलॉग वैसे हुआ। तो इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्ले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपकी जो इंग्लिश की स्किल्स है, समझने की, सुनने की, बोलने की, सब कुछ इम्प्रूव होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि बिजनेस बुक्स वगैरह, फाइनेंशियल बुक्स, वो सब आपको पढ़ना है, और भी कोई बुक्स पढ़नी है आपको पर्सनालिटी की, वो भी आप पढ़ो, लेकिन इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे प्लेज ज़रूर पढ़ा करो, खासकर शेक्सपियर के। अगर इंग्लिश आपको वोकैबलरी पे काम करना है तो इंग्लिश ज़रूर पढ़ो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगले ब्लॉग में स्पेशल क्या होने वाला है, कुछ कॉमेंट्स पढ़ दे वैसे मैंने लास्ट ब्लॉग के नीचे के, मास्टर भूषण का क्या लेना देना क्वारंटीन से, उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कुछ बढ़िया सा कंटेंट बनाऊँ, आपको जल्दी से देखने को मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं गबरू अगली वीडियो में। बी ए गबरू, अर्पण गबरू आउट।